अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमान बसरा और आज हम लोग जो फाइंड करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो यहां पे हमारे पास जो एक बाकायदा एक प्रूफ दिया गया है जो इसका तरीकेकार है, लेकिन हम इसको एक सिंपली शॉर्ट तरीके से करेंगे। कि वो हमारे पास यही है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ए मैट्रिक्स ए बी सी और डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसको अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमने जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एक हम डिटरमिनेंट लेते हैं, वो हमारे पास ए का मॉड इज इक्वल टू ए डी माइनस सी बी। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा हम उसको छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, वो हमारे पास एक फाइनल इसका जो भी आंसर आएगा हम उसको नीचे लिख देंगे। अब इसी तरह हमने जो इसका इसको फाइंड कर रहे हैं, इसको चेंज करने के लिए वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए, इसमें हमने पहले की जगह तब्दील करनी होती है डी को ए और दूसरे की अलावा हमने अलामत माइनस सी और माइनस बी हमने ये जगह तब्दील कर दी। तो अब यहाँ इसको हम अगर फाइनली लिखेंगे तो हमारे पास जो ए इनवर्स होगा वो हमारे पास ए ओवर ए का मॉड और हमारे पास यहाँ पे ये जो एडजेंट ए की कीमत है डी माइनस बी माइनस सी और ए हमारे पास। तो इसको हम फाइनली इस तरह लिखकर हम जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास ए इनवर्स होगा। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड था, लेकिन इसने बकायदा एक प्रूफ दिया हुआ है कि अगर हम ए बी सी और डी हम कोई भी कोफिशिएंट्स लेते हैं और हम इसको एक इक्वेशन लेंगे, वो हमारे पास एक्स वन एक्स टू वाई वन और हमारे पास वाई टू। बेसिकली नाइन्थ क्लास के अंदर जो हमारा लीनियर सिस्टम लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम जो दो इक्वेशन हमें दी गई होती थी, सेम वही चीज़ हमारी यहाँ पर बनेगी कि हमने इसको इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा 1 0 0 और 1, कि हमने दो मैट्रिक्स लेने हैं, ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आए, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सेम वही चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। तो इन दोनों को आपस में अंदर देंगे तो यहाँ से हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, इन चार की वैल्यूज फाइंड करके हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, उसको हम इसके इक्वल करेंगे। तो ये इंतहाई सिंपल सा तरीकाकार है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो सिंपल सा यही तरीका कि हमने जब ए डिटरमिनेंट लेना है तो ए डी माइनस हमारे पास सी बी हो जाएगा, और एडजेंट ए के लिए हमने पहले जो डायगनल्स हैं उनकी जगह तब्दील करनी है, नॉन डायगनल्स की हमने अलामत तब्दील कर देनी है। तो सिंपल उनको हम जब यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ टू मैट्रिक्स ऑन अ डायगनल, ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो वो नीचे दी गई है कि टेक द नेगेटिव ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, जो डायगनल एलिमेंट्स है उनकी हमने उनको रिप्लेस कर देना है, उनकी जगह तब्दील कर देनी है, जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उनकी हमने जो साइन है या उनकी जो अलामत है सिंबल है वो हमने तब्दील कर देनी है। अगर जमा की होती तो नफी कर देनी है, नफी की हो तो हमारे पास हमने जमा कर देनी है। तो ये हम उसको सिंपल करेंगे, उसके बाद हम जो हमने डिटरमिनेंट लिया हुआ है उसको हम ए बटा ए लिखेंगे और हमने इसको सिंपल लिख देना, तो ये हमारे पास इनवर्स ए ओवर इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एक सवाल हमने लिया, हम इस सवाल को हल कर देते हैं। हमारे पास सवाल एग्जांपल है कि ए इज इक्वल टू 2 3 4 और 5 दिया गया है। सबसे पहले हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है, 2 × क्या हो जाएगा 5 − 4 × 3 हो जाएगा, तो 5 × कितना आएगा 10 − 4 = 12, तो हमारे पास आंसर आ गया -2। ए डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, जो हमने अर्जेंट ए लेना था वो हमारे पास आएगा, पहले की डायगनल्स की हमने जगह तब्दील करनी है मतलब 5 और हमने क्या कर दिया 2, और नॉन डायगनल्स की -3 और -4 हम करेंगे। तो जब हम इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ए इनवर्स जो आएगा वो हमारे पास 5 − −2 − 3 − −2 − 4 − −2 और 2 − −2 आ जाएगा। जो इसमें सिंपलीफाई होते हैं उनको कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 − −2 और ये बनेगा सॉरी ये नफी से नफी खत्म हो जाएगा तो 3/2 इसका एक आंसर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल 2 और ये हमारे पास -1। तो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ ए, अगर हमारे पास ए बराबर
बटा दो, दो और माइनस एक के बराबर आएगा। तो यहाँ पे उसका आंसर भी निकला हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2.10 हमने हल की थी। इसी तरह हमारे पास जो इनवर्स होगा n बाई n मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसके लिए हमने क्या करना है, सपोज ए एन ऑर्बिट्रेरी n स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स रिड्यूस एज अबव द फॉलोइंग